Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 4 by Brain Root Series. And here is a book, Science Spark. Today we are going to start with chapter number 4 and the name is Clothes We Wear. So yes, everybody needs clothes to wear. So what all topics we are going to learn in this chapter are, why do we wear clothes? Hum kapde kyun pehante hain? Clothes for different season, अलग अलग season के लिए अलग अलग कपड़े. Clothes and culture, कैसे clothes culture से related है. What are clothes made up of? Clothes किस चीज़ से बनते हैं. Clothes according to profession, profession के according कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं. And taking care of clothes, clothes का ध्यान कैसे रखें. Let's start with a warm up exercise. These people are from different states of India. ये अलग अलग states हैं इंडिया के, वहाँ से belong करते हैं. And what you have to do? You have to read the clues and write name of the state they come from. तो ये लोग जिस भी state से आते हैं आपको उस state का नाम लिखना है. So Rajbir is from desert state of India. So ये जो है ये है desert state of India means Rajasthan. So similarly, you have to read these clues and then you have to fill the name of the state. Now let's start the chapter. Clothes are one of our basic needs. So clothes kya hai? Hamare bahut hi zyada important. Aap keh sakte ho basic need hai. Means ye zaruri cheez hai jo hamare liye kafi zyada important hota hai. Many years ago when man lived in caves, जब बहुत सालों पहले की बात है कि बहुत साल पहले क्या था, जो man था, जो human being था, वो कहाँ रहता था? Caves में. He used animal skin and dried leaves to cover himself. वो क्या करते थे, animal का जो skin होता था ना, उसे निकाल के उसके कपड़े बना के अपने आप को जो ढकते थे अपनी body को, या फिर पेड़ के पत्तों से अपनी body को ढका करते थे. Gradually, with the passage of time, man started wearing clothes made up of different materials. जैसे जैसे time बीतता गया, लोगों ने क्या किया, अलग अलग material से कपड़े बनाना शुरू किया और उसे पहनने लगे. Children, do you know how are clothes made? क्या आपको पता है कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? Clothes are made through weaving and tailoring. And nowadays, with the help of high-tech machines, आपको ये बताया जा रहा है कि जो कपड़े हैं वो कपड़ों को वीव करके, धागों को वीव किया जाता है. टेलरिंग मीन्स कपड़े बनाने के बाद उनको जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर में कट करके उस पर जो सिलाई की जाती है, टेलरिंग की जाती है. और आजकल तो हाईटेक मशीन्स को यूज़ किया जा रहा है कपड़े बनाने के लिए. एक मशीन जो है बहुत सारे बंचेज ऑफ कपड़े एक साथ काट लेती है और जो दूसरी मशीन है फटाफट उसे सिलती है. ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस. क्योंकि साइंस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए ये जो कपड़े हैं ना, इनका मैन्युफैक्चरिंग भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है. इनके अंदर काफ़ी सारी एडवांसमेंट आ रही है. नाउ व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं. So, we wear clothes because of the following reason. कुछ reasons दिए गए हैं, उन reasons की वजह से हम कपड़े पहनते हैं. पहला है, they protect us from sun's heat and from getting sun tanned. ये हमें सूरज की जो रोशनी है ना, उसकी जो गर्मी है, उससे बचाता है. और हमारी बॉडी पे सन टैन ना हो, उससे भी ये कपड़े हमें बचाते हैं. They protect us from cold and keep us warm in winter. ये हमें क्या करते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं. विंटर में हमें ये वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, ये हमें बारिश से भी बचाते हैं. वी यूज रेनकोट मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल्स, हम क्या करते हैं, रेनकोट पहनते हैं जो वाटर प्रूफ मटीरियल से बनता है, जैसे कि रबर से या फिर प्लास्टिक से. रबर शूज ऑल्सो कीप आवर फीट ड्राई, रबर के जो शूज है हमारे जो पैर है उन्हें ड्राई रखते हैं. क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, क्लोथ्स हमें डस्ट से मीन्स धूल से भी बचाते हैं. टाइनी डस्ट पार्टिकल सेटल ऑन आवर क्लोथ्स, जो टाइनी बहुत ही माइन्यूट से छोटे से डस्ट पार्टिकल्स है वो आके हमारे कपड़ों पर बैठ जाते हैं, तो उन डस्ट पार्टिकल्स से भी हमें क्लोथ्स बचाते हैं.
क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, मच्छरों के काटने से भी ये क्लोथ्स हमें सेव करते हैं. When we play in the park, we should wear full sleeve shirt and full pant to protect ourselves from mosquito bite. जब हम पार्क में खेल रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फुल स्लीव शर्ट मीन्स पूरे बाजू की शर्ट पहननी चाहिए, फुल पैंट पहननी चाहिए, ताकि जो है हम मॉस्किटो बाइट से मीन्स मच्छरों के काटने से बच सके. मॉस्किटो बाइट कैन कॉज मलेरिया, डेंगू एंड येलो फीवर. सो मॉस्किटो के काटने से ये सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं. क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, ये हमें स्मार्ट दिखने में हेल्प करते हैं. एंड दे गिव एन आइडेंटिटी टू अस, ये हमें जो है एक अच्छी आइडेंटिटी भी देते हैं जिससे हमें लोग पहचान सकें. Now let's learn about clothes for different season. अलग अलग सीजन में हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. We need clothes all the time. हर वक्त हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है. In different season, we wear different types of clothes. अलग अलग सीजन में हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. In summer, we wear light colored cotton clothes. जब समर सीजन आता है तो हम हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहनते हैं, which help the heat of our body to escape. जो क्या करता है, हमारी बॉडी से हीट को निकलने में हेल्प करता है. लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट द लाइट एंड हीट एंड कीप अवर बॉडी कूल. जो हल्के रंग के कपड़े हैं ना, वो जो है हीट और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मीन्स बॉडी तक नहीं पहुँचने देते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल रहती है. नेक्स्ट कम्स विंटर. सो इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स. हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, मफलर्स लगाते हैं, ब्लेजर्स पहनते हैं, वुलन कैप्स पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. तो सर्दियों में हमें वुलन और सिल्क के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो हमें वार्म रखते हैं, हमें गर्म रखते हैं. If we have to go out in rain, अगर हमें बारिश में बाहर जाना है, so we should take umbrella or wear long raincoats. हमें क्या करना चाहिए, umbrella को जो है अपने साथ carry करना चाहिए, या फिर लंबे से raincoats पहनने चाहिए, which are made up of plastic material that are totally non-porous and waterproof. जो पूरी तरह से non-porous होते हैं, means उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जा सकती है, और ये वाटरप्रूफ भी होते हैं. तो आप देख सकते हो समर सीज़न में कैसे कपड़े हम पहनते हैं, एकदम हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े. विंटर सीज़न में हम कैसे पहनते हैं, एकदम वार्म क्लोथ्स, और जब रेनी सीज़न आता है तो हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं या फिर रेनकोट पहनते हैं. क्लोथ्स एंड कल्चर. अब क्लोथ्स को कैसे कल्चर के साथ रिलेट किया जाए. पीपल वियर डिफरेंट क्लोथ्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस. तो लोग क्या करते हैं, जैसा उनकी जगह पर, जिस जगह वो रहते हैं, जहाँ वहाँ का जैसा भी क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. ऊपर से वहाँ का जैसा भी कल्चरल ट्रेडिशन है, मीन्स वहाँ पर कैसे रीति रिवाज हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर. अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक थिक लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं जिसको फिरान कहते हैं. वो एक मोटी सी लंबी सी ड्रेस पहनते हैं जिसे फिरान कहते हैं. द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला कंसिस्ट ऑफ मुंडू एंड नेरियाटू. और केरल के लोग मुंडू और नेरियाटू पहनते हैं. अब आप देख सकते हो कि किमोनो ये भी एक ड्रेस है, और हैंडबॉग भी एक ड्रेस है. सो सम ऑफ दीज ट्रेडिशनल क्लोथ्स वो हैव बिकम नेशनल ड्रेसेस. इसमें से जो कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, इन्हें नेशनल ड्रेस की कैटेगरीज में डाल दिया गया है. किमोनो इज द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान. किमोनो क्या है, ये नेशनल ड्रेस है जापान की. एंड हैंडबॉग इज दैट ऑफ कोरिया, और ये कोरिया की नेशनल ड्रेस है. एंड सारी इज द नेशनल ड्रेस ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया. और इंडिया की जो वुमेन है उनकी नेशनल ड्रेस सारी है. Now children, let's learn what are clothes made up of. अब ये कपड़े किस चीज़ से बनते हैं. कपड़े तो हम पहनते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये बनते किस चीज़ से हैं, चलिए ये पढ़ते हैं. So clothes are made up of different fibers. बहुत सारे अलग अलग fibers से बनते हैं. कुछ जो है natural fibers होते हैं, और कुछ artificial fibers होते हैं. अब क्या होते हैं ये natural fiber, क्या होते हैं artificial fiber, let's read it out. So first comes natural fiber. Natural fiber are of two types. ये दो तरीके के होते हैं. पहला तो plant fiber होता है, दूसरा animal fiber होता है.
तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज प्लांट फाइबर. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन के प्लांट से. द कॉटन प्लांट वियर्स कॉटन बॉल्स. सो ये जो कॉटन का जो प्लांट होता है आप देख सकते हो इसके ऊपर क्या लगते हैं, छोटे छोटे कॉटन बॉल्स लगते हैं. These cotton balls are picked up and are used to make cotton fiber. इन cotton balls को लिया जाता है और इनसे cotton fiber बनाया जाता है. These fibers are woven to make thread and finally cloth. अब इस fiber को इकट्ठा करके धागे बनाए जाते हैं और धागों से कपड़े बनाए जाते हैं. And we also get jute and linen from plants. तो प्लांट से हमें जूट और लिनन ये दोनों चीज़ें भी मिलती हैं. ये दोनों भी प्लांट फाइबर में आते हैं. दीज फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स. और ये जो फाइबर है इन्हें भी कपड़े बनाने के काम में लिया जाता है. नाउ हियर यू कैन सी कॉटन प्लांट गिव्स कॉटन फाइबर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. नेक्स्ट कम्स एनिमल फाइबर्स. सो एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फाइबर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. एनिमल क्या करते हैं, हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं जिससे हम कपड़े बना सकते हैं. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप. वुल हमें कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है. वुल इज शियर्ड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ शीप. वुल को जो है शीप की बॉडी से निकाला जाता है शेव करके. देन इट इज क्लीन एंड वॉश्ड. उसे अच्छे से क्लीन किया जाता है फिर उसको वॉश किया जाता है. वेन इट बिकम्स सॉफ्ट इट इज स्पंज. जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसके धागे बनाए जाते हैं. एंड वूवन इन टू क्लोथ. और फिर उस धागे से कपड़े बनते हैं. वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क वर्म. हमें सिल्क थ्रेड जो है कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है फॉर मेकिंग सिल्क क्लोथ. और उस सिल्क थ्रेड से हम सिल्क के कपड़े बनाते हैं. चिल्ड्रेन डू यू नो दैट कॉटन वूल एंड सिल्क आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल फाइबर्स. आपको पता है कि क्या इन्हें भी नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. सिल्क वर्म इज नॉट अ वर्म. सिल्क वर्म एक वर्म नहीं है. वर्म डू नॉट हैव लेग्स. वर्म के लेग्स नहीं होते हैं. अ सिल्क वर्म इज एक्चुअली अ कैटरपिलर एन इंसेक्ट एंड वूव्स विद द हेल्प ऑफ लेग्स. ये क्या करता है, अपने लेग्स की मदद से वूव करता है. तो जो भी वर्म्स होते हैं उनके जो क्या होते हैं, लेग्स नहीं होते हैं. तो ये क्या है, एज अ कैटरपिलर आप इसे कह सकते हो. नाउ हियर यू कैन सी शीप गिव्स अस वूल. कैसे शीप को जो है शेव किया जा रहा है, शेयरिंग की जा रही है. अब आप देख सकते हो सिल्क वर्म गिव्स अस सिल्क. सिल्क वर्म है ये एंड उसके लेग्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे. और इस सिल्क वर्म के दिए हुए सिल्क से हम सिल्क की साड़ी बनाते हैं एंड वूल से वुलन क्लोथ्स बनते हैं. नेक्स्ट कम्स आर्टिफिशियल फाइबर. अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर की. सो नाउअडेज वी ऑल वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स. आजकल हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए कपड़े पहनते हैं. दीज फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. इन फाइबर को सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है. दीज आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ये प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते. नाइलन पॉलिएस्टर रेयन एंड टेलीन आर आर्टिफिशियल फाइबर. ये कुछ आर्टिफिशियल फाइबर हैं. द क्लोथ्स मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर आर मोर अट्रैक्टिव एज वेल एज ड्यूरेबल. ये जो आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए कपड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर दिखते हैं और ड्यूरेबल मीन्स ज़्यादा समय तक चलने वाले होते हैं. नाउ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन. अब प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कैसे कपड़े पहनने चाहिए हमें. सो इन मेनी प्रोफेशंस पीपल वेयर डिफरेंट यूनिफॉर्म. अलग अलग प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म पहनते हैं. जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप क्या पहनते हो, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. सो यूनिफॉर्म इज अ डिस्टिंक्टिव क्लोथ दैट इज सूटेबल फॉर द काइंड ऑफ जॉब अ पर्सन डज. यूनिफॉर्म क्या है, ये एक तरीके का कपड़ा है जो कि सूटेबल है हर किसी फॉर अ काइंड ऑफ जॉब. किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके के जॉब के लिए कोई भी जो पर्सन करता है. जैसे कि डॉक्टर और नर्स ये क्या करते हैं, वाइट कोट और यूनिफॉर्म पहनते हैं. अब सोल्जर्स क्या करते हैं, ये वियर करते हैं रफ एंड टफ क्लोथ्स. आप देख सकते हो सूटेड फॉर द काइंड ऑफ जॉब दे डू. जिस तरीके का जॉब वो करते हैं उसके हिसाब से उन्हें रफ एंड टफ कपड़े पहनने होते हैं. अब फैक्ट्री वर्कर्स क्या करते हैं, वो वियर एन ओवरऑल क्लोथ दैट कवर्स द बॉडी
from neck to feet for safety while working with heavy machines. ये क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक काफ़ी ज़्यादा हैवी बॉडी कवर कपड़े पहनते हैं, ताकि जो क्योंकि हैवी मशीन्स के साथ वर्क करते हैं तो उसमें उनके कपड़े कहीं भी ना फंसें, तो इन्हें इसके अकॉर्डिंग इन्हें ड्रेस दी जाती है. नेक्स्ट, पुलिस मैन एंड स्कूल चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म सो दैट अदर पीपल कैन टेल हु दे आर. अब पुलिस मैन और जो स्कूल के बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि लोग बता सकें कि ये कौन लोग हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स. अब क्लोथ्स का ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए, क्योंकि क्लोथ्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या हमारा कितना साथ देते हैं, तो ज़रूरी है ना कि इनका अच्छे से ध्यान रखा जाए. तो चलिए पढ़ते हैं कि कैसे हमें देना इनका ध्यान रखना चाहिए. इफ वी लुक आफ्टर आवर क्लोथ्स वेल दे विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर हम अपने कपड़े का अच्छे से ध्यान रखेंगे ना तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं. वी शुड फॉलो दीज रूल्स फॉर द केयर ऑफ आवर क्लोथ्स. हमें ये जो रूल्स दिएंगे इन्हें फॉलो करने चाहिए ताकि हम अपने कपड़ों का ध्यान रख सकें. तो पहला रूल क्या कहता है, द डर्टी क्लोथ्स मस्ट बी वॉश प्रॉपरली विथ सोप और डिटर्जेंट एंड वाटर. अगर कोई कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे अच्छे से धोए सोप से, डिटर्जेंट से या फिर पानी से. नेक्स्ट पॉइंट इज वुलन क्लोथ शुड बी वॉश विथ सोप एंड वाटर, शुड नॉट बी वॉश विथ सोप एंड वाटर. जो वुलन कपड़े हैं उन्हें सोप और पानी से नहीं धोना चाहिए. दे मस्ट बी ड्राई क्लीन, उन्हें ड्राई क्लीन करना चाहिए. टॉर्न क्लोथ्स मस्ट बी मेंडेड इन टाइम, जो फटे हुए कपड़े उन्हें टाइम से ठीक कराना चाहिए. आफ्टर वॉशिंग एंड ड्राइंग द क्लोथ्स दे शुड बी प्रॉपरली आयरन टू मेक देम रिंकल फ्री. तो कपड़े को धोने के बाद, उसे सुखाने के बाद उन्हें अच्छे से प्रेस करना चाहिए. क्या करना चाहिए, आयरन करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, ताकि वो और भी ज़्यादा सुंदर लगे, रिंकल फ्री लगे. नेक्स्ट, दीज आयरन क्लोथ्स शुड बी केप्ट नीटली इन एन अलमीरा. ये जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं ना, इन्हें अच्छे से अलमीरा में रखना चाहिए. द सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स दैट आर नॉट वर्न इन समर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली. ये जो सिल्क के कपड़े हैं या जो वुलन क्लोथ्स हैं जिन्हें हम समर में नहीं पहनते, इन्हें क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से रखना चाहिए. अदरवाइज दे कैन बी डैमेज बाई इंसेक्ट लाइक सिल्वर फिश एंड मोर. नहीं तो क्या होगा, कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे सिल्वर फिश या फिर मोर, ये इन कपड़ों को खराब कर देते हैं. सो दे शुड बी केप्ट इन बॉक्सेज अलॉन्ग विथ मोथ बॉल्स और ड्राइड नीम्स. इसलिए इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें जो है ऐसे बॉक्स में रख देना चाहिए जिसमें नाप्तलिन बॉल्स या फिर मोथ बॉल्स हों या फिर सूखे हुए नीम के पत्ते हों, ताकि इंसेक्ट्स इनसे दूर रहें. चिल्ड्रन डू यू नो दैट पेट्रोल एंड बेंजीन रिमूव ऑयल एंड ग्रीस स्टेन्स. आपको पता है कि ऑयल और ग्रीस के स्टेन्स जो ये पेट्रोल और बेंजीन है ये रिमूव कर देते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. सो हियर यू हैव टू अनस्क्रैम्बल द गिवन वर्ड्स दैट आर गिवन हियर. सो हियर चिल्ड्रन द फर्स्ट वर्ड इज जूट. Next is silk. So like this you have to do the rest of the questions. Now let's move on to flashback, which is points to remember what all we have learned in this chapter we are going to revise here. So clothes protect us from heat, dust, cold, rain and insect bites. People wear different clothes depending upon the climate and cultural tradition of the place they live in. Clothes are made up of different fibers. Regular washing and proper storing of clothes make them last longer. Now let's move on to new words. Natural fibers are plants and animal fibers. Artificial fibers are synthetic and or man-made fiber. Uniform is the distinctive cloth that is suitable for the kind of job a person does. Now let's move on to book exercise, children. Here A exercises, take the correct option. Here the first question is, which of these fiber is obtained from plant? Plant se kaun sa isme se fiber obtain hota hai? Wool, woolen is obtained from sheep, silk from silkworm. So here we get linen from plant. It is a plant fiber. Now, which of these is the traditional dress of Kerala? Kerala ki traditional dress kaun si hai? So it is mundu.
Like this, children, do question number 3 and 4 yourself. Now, let's move on to B part, which is fill in the blanks. We wear clothes mainly to protect our body. Dash keeps us dry during rain, so raincoats. So these keep us dry during rains. So like this, children, do question number 3 and 4 yourself. Now let's move on to C part, which is right, true or false for the following statements. Cotton clothes are best suitable for winter. Kya ye winter mein pehen sakte hain? False. Jute is an artificial fiber. Jute kya ek artificial fiber hai? False. It is a natural fiber. So do the rest two questions yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. Why do people wear cotton clothes in summer? So people wear cotton clothes in summer because they keep them cool. Now, second question is, why do we prefer to wear woolen clothes in winter? So we wear woolen clothes in winter because they keep us warm. So these are the answers, children. Like this, read the rest two questions and answer them. So children, with this we have completed the chapter. I hope you have understood where we get clothes from, how are they made. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.